हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम पढ़े माई लाइन 101, ठीक है। इन तीनों में जो है हम जो है मतलब 100 का प्लेस, 8 का प्लेस और 1 का प्लेस, तीनों प्लेस रहेगा। उसमें 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकेंगे और इसमें आज चेंजिंग 10। पिछले वीडियो में हम लोग ने चेंजिंग वंस देखा था, मतलब वंस के प्लेस वाले में चेंजिंग दिखाई दे रहा था। उसमें जो है उसमें का जो कैरी होता था टेंस में वो ट्रांसफर होता था। यहाँ पर जो है वंस के प्लेस में आपको कैरी नहीं दिखाई देगा, मतलब नो चेंजिंग, और टेंस के प्लेस का कैरी जो है 100 के प्लेस में ट्रांसफर होगा। तो इसलिए जो है चेंजिंग टेंस आपको दिखाई देगा। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा उसके लिए एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप तीनों प्लेस में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 100 का प्लेस, 10 का प्लेस और 1, ठीक है। 100, 10 और 1 ये तीनों प्लेस है। यहाँ पर देखिए पहले हम 100 ये जो 4 है, 4 का मल्टीप्लाई ये 1 से प्लेस करेंगे। यहाँ पर जो डिजिट है 1, तो 4 बन जा 4। देखिए यहाँ पर 4 आया है, 4 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अब 4 का मल्टीप्लाई 10 के प्लेस पर जो डिजिट है 1, इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो 4 एक क्या होता है आपका 32, 4 इंडिया 32, ठीक। तो अभी आपको बताया गया इसमें जो मल्टीप्लाई का जो आता है 10 के प्लेस पर 32, तो इसमें चेंजिंग हमको करना है। ये जो 1 का प्लेस होता है ये यहाँ पर कैंडिंग में आ जाता है, ठीक। और जो 1 के प्लेस पर जो क्या है वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप आएगा जो 4 का मल्टीप्लाई 100 के प्लेस पर जो यहाँ डिवीजन 4 इसमें करेंगे। 4 हो जाए आपका आता है 15। और 15 में आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैरी लगा हुआ है, ठीक है, 10 के प्लेस में जो कैरी ट्रांसफर हुआ है 100 के प्लेस में, तो इसको आपको ऐड इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं, 15 में इसकी ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 और 19। इस तरीके से आंसर आता आएगा 1924, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है चेंजिंग टेंस आपको दिखाई दिया। 1 के प्लेस पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 4 का मूल जो पूरा करने लिखा गया है, 10 के प्लेस में हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 32 आया, तो इसको हमने चेंज किया, ठीक है। जो यहाँ पर 10 के प्लेस में है इसकी ये जो है 100 के प्लेस में आ गया ट्रांसफर होकर, ठीक है, कैरी के रूप में। और 2 यहाँ पर आया इसको हमने यहाँ पर किया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 100 के प्लेस वाले पर इसमें जो डीजी ने यहाँ पर किया तो 4 को लिया 60 और प्लस लिखने की आपका इसमें ऐड किया 12 19 19 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस तरीके से आपका ये उत्तर तैयार 1 19 20 4। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इस तरीके का यहाँ देखेंगे आप, जैसे ये है हमारा 100 का प्लेस, 10 का प्लेस और 1 240 तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई लेते हैं। सबसे पहले हम 1 के प्लेस वाले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 4 × 8, 8 में केवल 1 ही मिस होता है 1 का प्लेस, तो 8 ये कंप्लीट हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीशन यहाँ पर लिखिए, ठीक है। 8 यहाँ किसी की जमीन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि 8 आया है मल्टीप्लाई करने पर, हमने यहाँ 8 ट्राई कर लिया। अब नंबर आता है 4 का मल्टीप्लाई 10 के प्लेस पर, ये जो डिजिट आपको मिल रहा है
डाइपोल एग्जाम करेंगे और हो जाए सिस्टीन। अब देखिए सिस्टीन आपका यहां से आता है, सिस्टीन में जो है टू डिजिट है, तो यहां पर आपको सिस्टीन दिखाई देगा। ये जो सिस्टीन में एक का प्लेस होता है एक डायरी के रूप में 100 में ट्रांसफर होता है, और यहां पर जो सिक्स से ये 1 का प्लेस पर है इसको हम यहां टेस्ट के कारण में यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक और काम है कि नए 100 प्लेस पर एक जो दूसरी का को है इसमें करेंगे तो 4 हो जाए 8 8 आता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कैरी लगा हुआ है 1, ठीक है, जो भी कैरी होगा उसको इसमें ऐड करना आपको जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 1 क्या आता है 9, ठीक है। तो 9 में जो आएगा यहां पर आप इसको लिखेंगे, तो इस तरीके से ये आपका आंसर मिलेगा 968 968, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसलिए आप इसके लिए किस तरीके से जो है थ्री डिजिट के नंबर में हम 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर थ्री डिजिट के, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100 200 31 5 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
का प्लेस, वन का प्लेस या होता है फाइव का टेबल हम वन से पढ़ेंगे पहले, ठीक है, मतलब फाइव का मल्टीप्लाई वन लिखिए, तो फाइव का क्या आ गया यहां पर वन, ठीक है, और फाइव हो गया फाइव, तो यहां फाइव, उसके बाद फाइव का मल्टीप्लाई हम एक की प्लेस पर एक जो आपको दिख रहा है उसकी लिख देंगे, फाइव हो गया आपका आता है 50, 50 इस तरीके से आप राइट करते हैं, इसमें जो टेन का प्लेस होता है टेन की रूप में यहाँ पर 100 के रूप में ट्रांसफर होगा, और ये जो वन के प्लेस पर है इसको यहाँ पर आप राइट करेंगे, उसके बाद ये जो फाइव है फिर जो है आपका टेन के प्लेस पर जो नंबर है आपका इस पर कितना है कितने का फाइव का टेन, और टेन में जो एक क्रेडिट लगा हुआ है वन इसको हम लेकिन मैं कोई बार बार इसमें हो रहा है ये इलेवन आ जाएगा, तो इलेवन को हम टोटल यहाँ पर राइट करेंगे इलेवन, इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1155, ये आपका एक छोटा प्रश्न रहेगा, तो आंसर के रूप में आप राइट करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीरो वाला जिसमें जीरो का मल्टीप्लाई आपको करना होता है, देखिए यहाँ पर जैसे 550 मल्टीप्लाई 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये 100 का प्लेस, ये 10 का प्लेस और ये 1 9 का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के प्लेस वाले पर जो डिजिट है उसमें, ठीक, तो 9 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो आपका आएगा 0, क्योंकि आपको बताया गया है रूल कि किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करिए या 0 पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, आपका जो टोटल कहता है वो हमेशा कहता है 0 आता है, उसके बाद डिजिट आपको दिख रहा है 6 में हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 डिजिट कितना होता है 54, ठीक है, 54, और उसके बाद यहाँ पर एक 4 है, ठीक है, 1 इसको हम यहाँ राइट करेंगे, और जो 10 के प्लेस पर है 5 यहाँ पर 9 के रूप में आता है, ठीक है, अब उसके
बाद 9 का हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका आएगा 45 9 5 का 45 और इसमें आप कैरी करेंगे यहां पर इसके से तो आ जाएगा 3 0 और उसके बाद 1 कैरी करेंगे यहां पर 5 ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे और ये आपका आंसर इससे मिल जाएगा 5000 देखिए अगला प्रश्न बच्चों यहां पर आपको चेंजिंग टेंस के लिए और देखने को मिलेगा अगर यहां इस तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे 5 multiply 5 तो यहां देखिए आप जो इसमें देखिए क्वेश्चन में 10 और 1 जो पिछले वीडियो में आपने देखा था 1 को चेंजिंग दिखाई दे रहा था और इस वाले वीडियो में 10 में चेंजिंग तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप दोनों में जो है 1 और 10 दोनों केस में चेंजिंग आप करेंगे देखिए यहां 5 का कितना आ रहा है यहां पहले 100 10 और 1 5 का कंप्लीमेंट टाइप करेंगे तो 10 आता है ठीक है तो 10 ये जो 1 स्टेप है पर ये दूसरी का कितना है 0 को हम यहां राइट करेंगे और ये 1 आपका कैरी रूप में 10 स्टेप में कैरी रूप में ट्रांसफर होगा और 5 का टेबल 3 में पढ़ेंगे यहां पर मतलब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आता है 15 में ये 1 कैरी आप ऐड करेंगे 15 आ जाएगा 15 में देखिए ये 2 डिजिट है 6 वहां पर है यहां लिख देंगे ठीक है एक ध्यान दीजिए ये ऊपर जो है बेटा ये यहां पर ये कैरी है ठीक अब उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 100 डिजिट पर जो 5 को लिखेंगे 5 5 का 20 5 आता है 25 डिजिट के लिए और इसमें आप ठीक है तो यहाँ आपने देखा कि 1 और 10 दोनों में चेंजिंग आपको देखने को मिला तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा आइए देखिए यहाँ पर ऐसे सिलेबस में आपको इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप कॉपी एंड मल्टीप्लाई और यहाँ पर दूसरे से 14 की तो यहाँ पर दो चेंजिंग वाला भी आपने पढ़ा था इसमें कैसे बोलते हैं जैसे 2 3 6 और 2 4 8 क्योंकि यहाँ विदाउट चेंजिंग मतलब विदाउट कैच वाला ये आपको मल्टीप्लाई इस तरीके का मिलेगा और उसके बाद आपको इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिए हाँ 1 यहाँ पर 29 इंटू 3 तो यहाँ देखिए आप 398 का कितना होता है 21 ठीक है तो 7 8 जो है 1 स्टेप पर यहाँ पर मैच करेगी और क्या था कि ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट ग्रुप में यहाँ ठीक है और 6 जो आपका 6 होता है 6 में आप जो क्रेडिट जो है यहाँ पर लिखा है उसको ऐड कर दीजिए आपका आएगा तो यहाँ पर आपने देखा जो है चेंजिंग 1 ठीक है 2 डिजिट का है तो इस तरीके का क्वेश्चन एक प्रकार में मिलेगा और उसके बाद 3 डिजिट में आप देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन 423 इंटू 3 देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 2 पर लाइक इसको आप जो है चेक करेंगे और होमवर्क के लोग इसको जो है कंप्लीट करेंगे ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है आपका प्रॉपर्टी है इसको हम लोग पढ़ा लेगा ठीक है। इसको हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।